नाजिन जिस तरह आप जानते हैं 11 अगस्त है, माइनॉरिटी डे है और मैं इसे डी चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैप का एक स्टेज लगा हुआ है, जहाँ पर जो माइनॉरिटी डे के हवाले से कुछ सेमिनार करना चाह रहे हैं और रैली की शुरुआत में भी आ रहे हैं। मेरे साथ आज वाइस ऑफ जस्टिस के जो नुमाइंदे हैं, जो इस्लामाबाद में वाइस ऑफ जस्टिस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, नादिया नाम है इनका। हम इस नादिया से पूछेंगे कि इस वक्त आज के दिन के हवाले से वाइस ऑफ जस्टिस को कैसे प्रजेंट कर रही हैं। मैं नादिया स्टीफन, पब्लिशर की सीईओ और फाउंडर हूँ, और आज हम प्रेजेंट करेंगे वॉइस फॉर जस्टिस को, जो कि माइनॉरिटीज़ राइट्स के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में जो कुछ भी माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, उन तमाम चीज़ों को हम हाईलाइट करेंगे, और इन्हीं तमाम चीज़ों को हम अपने मैगज़ीन के थ्रू भी हाईलाइट करते हैं वक्तन फवक्तन। जो हमारे माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं, एजुकेशन के हवाला से और इंसाफ के हवाला से जो भी मामला चल रहे हैं, हम उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। ख़ास तौर पर जो एजुकेशन के मैदान में जो इम्पोजिशन हो रही है, हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे अपने बिलीफ्स होने के बावजूद हमारे बच्चों को ज़बरदस्ती दीनी तालीमात दी जाती हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे आज उन ख़वातीन के हवाला से जिनको माइनर एज होते हुए किडनैप किया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती शादियां की जाती हैं और कोर्ट में मुल्क का कानून होते हुए डबल स्टैंडर्ड अपनाया जाता है और हमारी लड़कियों को इंसाफ नहीं दिया जाता। जिस तरह आज माइनॉरिटी डे है और वाइस ऑफ जस्टिस के की नुमाइंदगी करने के लिए आप यहाँ पर आई हैं, और साथ ही यहाँ पर मैप का भी एक रैली आ रही है, उसमें भी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, और आज का जो एजेंडा है वो क्या प्रेजेंट करेंगी आप? आज हम ख्वातीन की रैली लेकर आए हैं यहाँ पर, और जो एजेंडा मैप का है वही वॉइस फॉर जस्टिस का है। और जो मैप का एजेंडा है उसमें हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेंगे। जो दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स हैं वो इक्वली हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हमारी डिमांड यही है कि पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अपनाया जाए, और ख़ास तौर पर ख्वातीन के हवाले से हम बात करेंगे कि मसीही ख्वातीन को भी वही दर्जा दिया जाए जो बाकी हम देखते हैं कि मेजॉरिटी की ख्वातीन को दिया जाता है। और ख़ास तौर पर जो कोटा सिस्टम है उसको भी अप्लाई किया जाए, और हम देखते हैं कि मुल्क में कानून तो है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो इस हवाले से हम ख़ास तौर पर कहेंगे कि जो लायामल है वो ऐसा तैयार किया जाए कि मुल्क में जो माइनॉरिटी राइज हैं उनको अप्लाई भी किया जा सके।